हम लोग आज पढ़ेंगे कि रैन शैडो एरिया यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश कैसे बनता है। आप अक्सर क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे बॉम्बे में अधिक बारिश होती है, ऊना में कम क्यों, त्रिवेंद्रम जहां पर है ज्यादा बारिश होती है, दूसरे अंदरूनी भाग में जो शहर है वहां कम क्यों, नागपुर में कम क्यों बारिश होता है। इसी प्रकार से वेस्टर्न घाट के पूरे कोस्टल एरिया यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होता है। यहाँ पर ये मालाबार कोस्ट है हमारा, सबसे नीचे केरल के भाग, और इसके ठीक ऊपर मालाबार से ऊपर फिर चलेंगे कर्नाटक का कोस्ट है, फिर कोंकण है, ऐसे करके अलग अलग तटीय प्रदेश है। तो जब मॉइस्चर लेकर के अरबियन सी इस ओर जा रहा है, अरबियन सी से जो हमारी वेस्टर्ली विंड चल रही है साउथ वेस्ट मानसून, ये विंड मॉइस्चर के साथ है तो इसके किनारे किनारे ऊपर उठती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा, यहाँ पर बारिश होगी। बारिश होने के बाद आप देखते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी भी थोड़ी भी बारिश होती है तो तापमान बढ़ता है। कारण क्या है, हवाओं में लेटेंट हीट होता है गुप्त ऊष्मा, तो हवा जब अपनी जो विंड जिस समय में रेनफॉल तो उससे पानी की बूंद तो गिर गया, लेकिन इसके साथ साथ में लेटेंट हीट रिलीज हो, तो जैसे ही लेटेंट हीट रिलीज होता है तो एयर का मॉइस्चर पकड़ने की जो कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है, तो बारिश नहीं हो पाएगा। अब यहां पर देखें कि ये हवाएं पानी बरसाने के बाद में इस ओर में अपोजिट साइड इधर इसको लीवार्ड साइड में, तो इस कारण से इस रीजन में बारिश नहीं हो पाता है। तो जो इंडिया का जो साउथ इंडिया का इंटीरियर पार्ट, अब यहां पर देखिए ईस्टर्न घाट माउंटेन, कभी कभी आप देखते हैं जब नॉर्थ ईस्ट मानसून से जब इस इलाके में बारिश होता है चेन्नई, तो फिर अपोजिट साइड में बारिश नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये सेमी अरेड जोन बन रहा है, दोनों साइड से बारिश नहीं हो पा रहा है, ये ड्राई रीजन। तो ये जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि इसको रैन शैडो एरिया में माउंटेन के एक साइड में बारिश होगा, अपोजिट साइड में बारिश नहीं हो पाएगा, जैसे आप वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन के इंटीरियर पार्ट पर ये देखते हैं।